जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट के अंदर काफी ब्लूटूथ मॉड्यूल आ रखे हैं, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि कौन सा मॉड्यूल हमारे लिए बेस्ट है और हमें कौन सा लेना चाहिए और कौन से उसके अंदर स्पीकर चलाना चाहिए। तो इन सारे सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो सभी? तक कि इस तरह से मार्केट के अंदर ब्लूटूथ मॉड्यूल है, काफी तरीके से इस तरह का भी मॉड्यूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी इन दोनों में आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। आपको मार्केट में जाइए तो आप किस तरह से लें इसको। मॉड्यूल आपने देखा होगा काफी ज्यादा लगता है होम थिएटर एम्पलीफायर में, तो इसके अंदर और इन दोनों में क्या फर्क है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे सस्ता मार्केट के अंदर मिलता है। 50 से 60 रुपए आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में, जबकि ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ये 150 या 100 रुपीज के आसपास आपको देखने को मार्केट के अंदर मिलेगा होलसेल में। तो इस मॉड्यूल की फंक्शन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। इसके अंदर हमें यूएसबी देखने को मिलती है और मेमोरी कार्ड भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे फंक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है और ये काफी ओल्ड हो चुका है। अब क्या नाम है, अगर आपको किसी भी ब्लूटूथ पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाना तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। बात करी जाए कि इसके अंदर जो है एम्पलीफायर इनबिल्ड नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। काफी यूट्यूब पे दिखाया गया है कि इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरा मॉड्यूल होता है, इसकी तरह देखने में सेम होता है बट उसके अंदर एम्पलीफायर होता है। इसके अंदर जो है आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ड है या फिर नहीं। इसके अंदर आपको सिंगल आईसी देखने को मिलेगी, जबकि जो एम्पलीफायर वाला होगा उसके अंदर इनबिल्ड, उसके अंदर हमें आईसी देखने को मिलेगी। जैसे कि इसके अंदर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दो आईसी लगी हुई है स्टूडियो, ठीक है। ये तो ऐसे ही इसके अंदर भी आईसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस मॉड्यूल को रखते हैं साइड में। तो इस मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, ये भी काफी मार्केट के अंदर अच्छा मॉड्यूल आ रखा है। तो बात करी जाए ये दोनों जो मॉड्यूल है वो कितने वोल्ट पे रन करते हैं, तो दोनों ही 5 वोल्ट पे रन करते हैं। तो इस मॉड्यूल की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जो इसका जो मेन फंक्शन है वो इसके अंदर हमें माइक को देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हम माइक भी चला सकते हैं और ये ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ तो दोनों ही सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर हमें आईआर भी देखने को मिलता है और यूएसबी भी, मेमोरी कार्ड भी। और इसके अंदर जबकि हमें चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है 5 वोल्ट के चार्जर से, हम इसकी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, ऑन ऑफ का स्विच है। तो इसके अंदर काफी ज्यादा फंक्शन है इसके कंपेयर में, तो ये वाला जो मॉड्यूल है काफी अच्छा है। तो इसी हम ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं, इस रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसमें सीधा ही क्या नाम है, एक स्पीकर की वायर यहाँ लगाएं और एक स्पीकर, दो स्पीकर इसमें हम चला सकते हैं। स्पीकर बात करी जाए तो कितने वाट के हम स्पीकर इसमें चला सकते हैं, तो इसके अंदर हम 5 वाट के दो दो स्पीकर चला सकते हैं और 5 वोल्ट से ये चलता है। कोशिश करें कि अगर दो स्पीकर लगा रहे हो तो इसके अंदर बैटरी जो है वो दो लगाएं, लिथियम जो बैटरी होती है दो लगाएं पैरेलल में, काफी अच्छा बैकअप आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन मॉड्यूल है वो यही है, ठीक है। और रही बात अगर आपको कोई एम्पलीफायर पावरफुल एम्पलीफायर बनाना, तो आपको ये वाला मॉड्यूल लेना पड़ेगा, इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ड नहीं होता। जबकि इस वाले मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हम डायरेक्टली स्पीकर को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एम्पलीफायर बोर्ड की जरूरत पड़ती है। और इस वाले में हमें एम्पलीफायर कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑलरेडी साउंड वाली जो आईसी है वो दे रखी होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।